अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लर्न करेंगे पिक टूल और रेक्टेंगुलर टूल। पिक टूल, जैसा कि नाम से जाहिर है, पिक करना मीन के उठाना, लेना, ले जाना। यानी कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज करेंगे पिक टूल। और रेक्टेंगुलर टूल यानी कि अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेसने के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर नंबर 2। जी, ये मेरे पास है पिक टूल और ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर टूल। इसकी शॉर्ट की है F6। जैसे ही मैं अपने माउस को रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर ले करता हूं, तो यहां पर मुझे इसका नेम और इसकी शॉर्ट की दोनों शो करवा रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूं या F6 को प्रेस करता हूं, तो मैं अपने टूल के अंदर चला जाऊंगा। अब मैंने अगर रेक्टेंगुलर ड्रा करना है, तो यहां क्लिक करके नीचे की तरफ अपने माउस को ड्रैग करता हूं, तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर रहा हूं। अब जब हम अपने रेक्टेंगुलर को ड्रा कर लेते हैं, तो हम इसकी रीसाइजिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, वो फ्लायर है या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो हम उसकी रीसाइजिंग जरूर करते हैं, क्योंकि हर चीज का एक साइज होता है। अब इस रेक्टेंगुलर का मैं रीसाइज कर सकता हूं बाय मैनुअल भी और बाय डायमेंशन से भी। सबसे पहले बाय मैनुअल करता हूँ। ये आपको ब्लैक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं फिल नोट। ये फिल नोट्स मेरे पास, मैं किसी भी नोट को क्लिक करता हूँ और माउस की मदद से उसकी मैं रीसाइजिंग कर सकता हूँ। टॉप से करना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट से करना चाहता हूँ, या कॉर्नर से करना चाहता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ। अगर बाय डिमेंशन में इसकी रिसाइजिंग करना चाहता हूँ, तो यहां पर मेरे पास इसकी साइजिंग दी हुई है। ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। यहां पर ये लॉक है, मैं एक पार्ट की डिमेंशन चेंज करूंगा। यहां पर 4 है, मैं यहां पर राइट कर रहा हूं 6, तो दूसरे पार्ट की डिमेंशन ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देगा। देखिएगा, आपने यहां पर राइट करनी है डिमेंशन जो आप चेंज करना चाह रहे हैं और एंटर प्रेस करें। अब यहां देखिए, मैंने तो एक साइज यानी कि विड्थ की डिमेंशन चेंज की है, और चूंकि ये लॉक है, इसकी वजह से सॉफ्टवेयर ने ऑटोली उसकी हाइट भी चेंज कर दी है। अब मैं लॉक को ओपन करता हूं, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं 4 और मैंने एंटर किया, तो यहां पर 7.679 ही रहा और यहां पर 4 हो गया। अब यहां इसकी जगह मैं लिखता हूं 9, मैंने 9 राइट किया और मैंने एंटर प्रेस किया, तो इसकी रिसाइजिंग वो कर रहा है। इट्स मीन कि हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की रिसाइजिंग कर सकते हैं जो कि हम वेक्टर फाइल में बना रहे हैं। अब वेक्टर क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके स्टडी करेंगे। अब जी मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। कलर हम कैसे करेंगे? आप कलर करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। इसका कलर करने का मेथड बहुत ही इजी है। जस्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और कलर मोड पर चले जाएं। माउस की मदद से हम कलर मोड पर चले गए हैं। अब माउस में मेरे पास 2 बटन्स होते हैं, एक मेरे पास लेफ्ट बटन और एक राइट। अगर आप चाहते हैं कि आप इन साइड पे यानी कि इस जगह पर कलर करें, तो आप किसी भी कलर पे जाके आप लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे उस कलर पे जाके, तो देखें इसमें कलर हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसकी आउटलाइन को कलर करूं, तो मैं किसी भी कलर पे जाके राइट क्लिक करूंगा, माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा। देखिएगा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस आउटलाइन की मोटाई करूं, मीन
इसका साइज चेंज करूं। तो यहां पर देखिए मुझे पेन नजर आ रहा है, यहां पर ऑप्शन पे जाके मैंने क्लिक किया और इसको मैंने रिसाइज कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसकी कॉपी लूं, मैंने यहां क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां से पिक किया और साइड पे ले गया। साइड पे लेके जाके माउस को छोड़े बगैर, माउस के लेफ्ट बटन को छोड़े बगैर मैंने राइट बटन को क्लिक कर दिया, तो यहां मेरे पास कॉपी हो गई है। कॉपी करने के मेरे पास टू मेथड्स एक्स्ट्रा भी हैं। एक तो मेरे पास यूनिवर्सल है, यानी कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। एक मेरे पास मेथड और भी है कॉपी करने का, वो है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। अब मैं यहां पर F6 प्रेस कर रहा हूं। जी तो देखें मेरे पॉइंटर में रेक्टेंगुलर आ गया है, इट्स मीन कि मैं रेक्टेंगुलर टूल के अंदर जा चुका हूं, मैंने यहां पर रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। अब मैं चाहता हूं कि मैं रेक्टेंगुलर की बजाय स्क्वेयर स्क्वेयर ड्रॉ करूं, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं, साथ में कंट्रोल को प्रेस करता हूं, तो देखें ये स्क्वेयर में आ रहा है, मीन इसके चारों कोने बराबर आ रहे हैं। हमारे पास रेक्टेंगुलर और स्क्वेयर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगुलर के आमने सामने के जो जिला होते हैं वो बराबर होते हैं, जबकि स्क्वेयर में उसके फोरों जिला बराबर होते हैं। इसके साथ ही मैं अपने आज के लेक्चर को क्लोज करने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह रेक्टेंगुलर पे मज़ीद बात होगी लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे यूट्यूब चैनल जोनल एकेडमी को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और फेसबुक पेज जोनल एकेडमी को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।